गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे, ठीक है। आज की वीडियो में उसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाते हैं, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग को जानना है और लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद से लिखेंगे। देखिए कभी कभी जंगलों में अपने आप आग इसलिए लग जाते हैं कि जब पेड़ के दो सूखी डाली आपस में घर्षण करते हैं, ठीक है। हम पहले भी जान चुके हैं कि जब दो पदार्थ को क्या किया जाता है, आपस में घर्षण करने से क्या पड़ता है, और ताप पड़ता है, और ताप पड़ता है तो क्या होता है, आग उत्पन्न होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो पेड़ के सूखी डाली जो होता है आपस में क्या होने लगता है, आपस में घर्षण होने लगता है। यह क्रिया कुछ अधिक देर तक होता है, घर्षण क्रिया अधिक कुछ अधिक देर तक होता है, इसके कारण जो है उसका ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने से वही जो है भयंकर आग लग जाता है, ठीक है, और पूरे जलमय जो है जलने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके, समझ चुके, और इसमें हमको आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और ताप से आग पैदा होती है। अभी पता है कि घर्षण से क्या होता है, ताप पड़ता है, और ताप से क्या होता है, आग पैदा होता है या आग लग जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि जंगलों में वृक्ष की दो सूखी डाली आपस में घर्षण के कारण यह क्रिया कुछ देर तक होती है, और दोनों ओर से हवा चलती है, दोनों ओर से हवा चलती है जिससे कि घर्षण अधिक
जिससे कि घर्षण अधिक होने लगता है और घर्षण अधिक होने लगता है और आग उत्पन्न और आग जो है उत्पन्न आग जो है उत्पन्न हो जाती है एवं धीरे 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 पूरा जंगल में और धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, एक बार बता दें क्या लिखे हैं आप लोगों को कि हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और ताप से आग पैदा होती है। जंगलों में वृक्ष की दो सूखी डाली आपस में घर्षण के कारण यह क्रिया कुछ देर तक होती है और दोनों ओर से हवा चलती है जिससे कि घर्षण अधिक होने लगता है और आग उत्पन्न हो जाती है एवं धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग जाती है। ऐसा नहीं कि जो है जैसे ही ये दो वृक्ष की डाली आपस में संपर्क किया और तुरंत आग उत्पन्न, ऐसा नहीं। यह जो है कुछ अधिक देर तक घर्षण होने के कारण उसमें जो है ताप बढ़ता है और जब उसका ताप बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, उससे आग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ